नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ अहम खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां हैं। पूरा देश ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर के साथ मुंबई में भी राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत कार्यक्रमों की धूम रही। सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के अलावा मुंबई के अलग अलग इलाके में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लोगों ने देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया। इस दौरान बच्चों ने जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, वहीं जगह जगह प्रभात फेरी भी निकाली गई, जहां आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने अपने कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मोटरसाइकिल रैली निकाली। उसी तरह महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष व विद्वान परिषद सदस्य प्रसाद लाड ने भी अपने कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और महाराष्ट्र के नागरिकों से आह्वान किया कि गणतंत्र दिवस पर सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लें। भारत माता की जय। जोर से बोलो, माता की जय। भारत माता की जय। वंदे 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 भारत माता की जय। नागरिक कर्तव्यों के पालन से हम अपने उत्तरदायित्व को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं और प्रदेश और देश की सेवा कर सकते हैं। अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें और उनका निरंतर पालन करते रहें। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9599 9 9। धन्यवाद, नमस्कार।